बड़ा हमारा हमारी बैठक यहाँ हुई है। वैसे छोटी मीटिंग्स हमारी होती रही, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे बैठक हुई और जिसमें हमारे नए मेंबरान ने भी शिरकत की, कुछ पुराने मेंबरान ने भी माशाल्लाह, और सब बड़ी मुश्किलात से, बड़ी तकलीफ़ों से गुजर के आए हैं। अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा। और ख़ान साहब की और तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जिस तरह उन्होंने ख़ान साहब की लाज रखी और ख़ान साहब के नाम पर जिस तरह कौम खड़ी हुई है, जो हमारा बयानिया था उसके साथ खड़ी हुई है। कौम ने साबित किया है कि सन 47 में ये कौम अगर एक मुल्क नया बना सकती थी तो अब एक उस मुल्क के लिए खड़े भी हो सकते हैं, इस बात के लिए कि ये मुल्क सही मानों में एक आज़ाद मुल्क हो, जहां अवाम की मन मर्ज़ी पर लोग आके इक्तदार में बैठें, परफॉर्मेंस पे फैसले हों, और जो फिर परफॉर्म ना करे अवाम वोट की ताकत से उनको बाहर कर दें। बाहर की डिक्टेशन पर यह मुल्क मज़ीद नहीं चलेगा। लंदन से इनकार के बाद अब वाशिंगटन की तरफ सर झुकाना, ये तो अजीब सी बात है। फिर 75 साल पहले हमने ताज बरतानिया को क्यों बरसग़ीर पाक हिंद से बाहर निकाला था, अगर आज हम उनके हुक्म पे अपने मुल्क के फैसले करें, इसी की सज़ा इमरान खान साहब जेल में काट रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ा काट रहे हैं, अमरीका जाके हुरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ने की सज़ा काट रहे हैं, आवाम के लिए हकीकी मानों में इंसाफ की बात करने पर वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। इंशाल्लाह सबसे पहले जो आदा आज हुआ है वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ भरपूर कोशिश करेगी कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो इस पाकिस्तान के नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, उनको कानूनी तौर पे प्रॉपर पॉलिटिकल और कानूनी जद्दोजहद के बाद उनको निकाला जाए। हमारा सबसे पहला हमारा मकसद, हमारी मन मर्जी, हमारी मंशा ये है कि खान साहब और साथ में हमारी जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी, उनके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे पंजाब के साबिक गवर्नर जनाब चीमा साहब, उनके साथ साथ हमारे साबिक पंजाब के सदर और हमारे बहुत सी ख्वातीन कारकुनान, सब के सब जो हैं उनको निकालने के लिए हमारी भरपूर जद्दोजहद होगी। हम एक पुरअमन लेकिन पुरजोर सियासी जद्दोजहद करेंगे। हम कभी भी किसी के गिरबान में हाथ डालने के कायल नहीं हैं, लेकिन किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो एक हद क्रॉस करें। पार्लियामेंट के अंदर हम अपना भरपूर सियासी किरदार हम अदा करेंगे, कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मेंबरान ने ओथ ले लिया है, पंजाबी मेंबरान ने ले लिया है, असल में जो हमारा मैंडेट है उसका आधा तकरीबन हमसे ले लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे 90 मेंबरान, पंजाब में 107, यहाँ 86 इस वक्त हमारे एफिडेविट पर, कुछ अभी ओपन में है क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना है। 9 सिंध में है, पूरा का पूरा कराची हमसे छीन लिया गया। पंजाब में आप ये देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात के, इंक्लूडिंग हिम, बशमूल उनके, उनकी तमाम बड़ी लीडरशिप अपनी सीटें हार चुके हैं। मियाँ साहब खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा से हार चुके हैं, लाहौर से भी हारे हैं, लेकिन फॉर्म 47 भी जीते हैं, फॉर्म 45 पे हमारे लोग जीते हैं। मरियम बीबी का मैं हैरान हूँ, मरियम बीबी वज़ीर आला तो बना दी गई, लेकिन जिस सीट पे वो जीते हैं वहाँ मेहर शराफत साहब हमारे नौजवान रहनुमा वहाँ से जीत चुके हैं, उनके बड़े बड़े सुरमा जो है वो हारे, लेकिन कुछ को फॉर्म 47 पे जिताया गया। पूरा इस्लामाबाद हम जीत चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों को फॉर्म 47 पे हराया गया। और फॉर्म 47 क्या है, फॉर्म 45 क्या है, फॉर्म 45 वो रिपोर्ट है उस ग्राउंड सिचुएशन की कि हर पोलिंग स्टेशन पे जितना वोट पड़ता है वो सारा फॉर्म 45 पे आपके सामने होता है, प्रिजाइडिंग अफसर की दस्तखत होते हैं, उस असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, अंगूठों का निशान होता है, वो रिजल्ट कुछ और कह रहा है। और एक कमरे में बैठ के आर ओ साहब ने कोई अपनी मन मर्जी से 100 का 1000 बना देना, 10000 का 1 लाख बना देना, 1 लाख से 10000 बना देना, ये इस तरह से अगर आपने करना है, इतने बड़े प्रोसेस की फिर क्या जरूरत थी। अगर हमने 25 करोड़ आवाम को निकाला और 25 करोड़ आवाम को हमने लाइन में लगाया, जिसमें 80-80 साल के हमारे बुजुर्ग, हमारे स्पेशल लोग व्हीलचेयर्स पे 6-6 घंटे धूप में खड़े होकर उन्होंने वोट डाला, और वोट डालने के बाद रिजल्ट किसी और का निकला, आप मुझे ये बताइए अगले इलेक्शन में फिर कोई वोट डालने निकलेगा। अगर लोगों के जहन में ये आ गया कि हम वोट क्यों डालें, रिजल्ट तो फॉर्म 47 पे बनेगा, ये चीज़ पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इल्तजा रखते हैं सामने, ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 का, इस कजिए का कोई हल निकालें। हम तो आईनी सियासी जद्दोजहद करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह आपने रात को अदालत लगा के ये इंश्योर किया कि इलेक्शन वक्त पे हो, और काजी साहब की वो बात हमें याद है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन हो तो गया, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन कराना काफ़ी है या आज़ाद शफाफ भी उसकी एक लाजमी जुज़ है। अगर आज़ाद शफाफ इलेक्शन ना हो तो कल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट PTI के मरकजी दफ्तर में भी मैंने ये बात की, और आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर इस वक्त पार्लियामेंट से चंद कदम के फासले पे, सुप्रीम कोर्ट से चंद कदम के फासले पे ये बात मैं कहना चाहता हूँ
कि जिस जमहूरियत में मैंडेट का तकद्दस नहीं है वो उस जमहूरियत का जनाजा निकलता है। ये ऐसे ही है जितना किसी बदन के लिए रूह की अहमियत है, इसीलिए एक जमहूरियत में मैंडेट की इज्जत की अहमियत है। लेकिन अफसोस जिन लोगों ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया उन्होंने खुद ही उसका जनाजा पढ़ाया। बहरहाल हमारी जद्दोजहद जारी है, इंशाल्लाह कल आप तहरीक इंसाफ को भरपूर सियासी रंग में देखेंगे। इंशाल्लाह इमरान खान साहब का जो मैसेज है, उनकी जो होप है, उनकी जो तवक्को है अपने मेंबरान से कि उनके मैंडेट की हिफाजत हो और अवाम ने जिस जज्बे से वोट दिया है इंशाल्लाह उसकी हिफाजत होगी। लला शिराज एक न्यूज़ समाज ले ले के आपने इस तरह शिराज भाई की बात, आप शिराज भाई की बात शिराज एक न्यूज़ से लला जब तहरीक इत्मीनान पेश हुआ उसके बाद आप ऐवान में बैठे रहे, फिर खिताब भी किया, सबने वो देखा, अब उसी पार्लियामेंट में आप दोबारा जा रहे हैं जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो है मैंडेट चोरी हुआ है, जो नुमाइंदे आ रहे हैं मैंडेट चोरी करके आए हैं, तो क्या ये कोई तजाद नहीं कि उस तरह आप बैठेंगे? मैदान कोई खाली नहीं छोड़ेंगे, मोर्चा खाली नहीं छोड़ना भाई। कुछ सरप्राइज दे रहे हैं कि रोज जिस एहतजाज की कॉल दी गई है पार्टी की जानिब से, क्या बाकी जमातें भी उसमें शिरकत करेंगे? कोशिश करेंगे कि वो जमातें जिनका ये दावा है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, जिसमें मौलाना साहब हैं, जिसमें अचकज़ई साहब हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें और जमातें हैं, और मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा आज एक बार फिर कि हाफिज़ नईम साहब ने जो मिसाल कायम की है, मैं समझता हूँ हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बहादुर आदमी है। उसने कहा कि मुझे मांगे तांगे का मैंडेट नहीं चाहिए, ये सीट मैं नहीं जीता इसलिए मैं वापस करता हूँ। मुस्लिम लीग नून में ऐसे लोग हैं, चीमा साहब की मैं बात निसार चीमा साहब उन जैसे लोगों की बात करना चाहूँगा जिनको ऑफर की गई, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जीते, हम अपने लोगों से धोखा नहीं कर सकते। ये बताइएगा कि की बनने जा रही है, क्या लगता है कितना टफ टाइम देंगे? अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि असल मैंडेट सामने आए और असल वजीर आजम जिसको अवाम ने मुंतखब किया है इमरान खान साहब, वो अपनी उस कुर्सी पर बैठे जिससे उनको बैन अलावा मुदाखलत पे, गैरों की ईमा पे हटाया गया। ये पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद 75 साल में एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा धोखा है। खत लिखा जाना है पीटीआई की जानिब से, कब तक वो खत लिख दिया जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है उसका जिक्र किया गया? ये बहुत अहम सवाल है। काजी अनवर साहब हमारे बड़े सीनियर वकील हैं, उन्होंने खान साहब से मीटिंग, उसमें वो मौजूद थे जिसमें खान साहब ने यह बात की थी और ये बात सामने आई कि IMF से जब मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान जा रही थी, खान साहब बतौर वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ की हुकूमत से उन्होंने अश्योरेंस मांगी थी कि हम आपके साथ एग्रीमेंट में तो जाते हैं लेकिन क्या आप बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अश्योर करते हैं कि आपके नीचे जो इलेक्शन होगा वो आज़ाद शफाफ होगा? उन्होंने अश्योरेंस दी तो इमरान खान साहब का उनका सारा केस ये है कि हमने तो अश्योरेंस दी, क्या IMF ने ये इंश्योर किया कि अब इलेक्शन आज़ाद शफाफ हुआ है? ये बता दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा और कल ओपोजिशन लीडर आपकी तरफ से कौन होगा? इंशाल्लाह गौर साहब हमारे उमर अयूब खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और ऑटोमेटिकली उनको बनना है, लेकिन देखते हैं खान साहब क्या फैसला करते हैं।